क्या हो? कितनी बार बोलो, सीटी नहीं बजाना, पुंगी नहीं बजाना, समझता नहीं क्या? हाँ, सीटी नहीं बजाना बोलती, पुंगी नहीं बजाना बोलती, तो क्या ताली बजाना हिचड़े का जैसा? खुरखुर क्या करती रही? खिचड़ी। चल घर को जाएंगे। आप भी नहीं आ सकती। पेट्रोल का भाव बढ़ गया, तरकारी का भाव बढ़ गया, तेरा भाव भी बढ़ गया क्या? मालकिन डॉक्टर के पास गया, घर गुल्ला छोड़ के कैसे आना? तू एक घर खुल्ला छोड़ के नहीं आ सकती, मैं 10 गिराक छोड़ कर आया ना तेरे वास्ते। तेरे बाप का घर छोड़ के आने को? ए शिला, बाप का नाम नहीं लेना, याद रख, नहीं तो ये हैंडल तोड़ के हाथ में दे डालूंगा। चलती तो चले, तो मैं जाता हूँ घर को। जाके देख, आलू चील दा वैसा चील देगा तेरे को। अयो मालकिन, अयो महेश मच्चा, नी इंग शिवाजी गणेश मात्र इरके, उन्हें एनक रोम्ब पड़ते रखे। अरे मेरी पद्मिनी, तू फिर तमिल बोली मेरे साथ? अच्छा बाबा, तमिल नहीं बोलता, तुम घर जा, हम अभी आता। हम घोड़ा बनता, तू घोड़े पे सवार हो जा रे। ए बड़ो, बूढ़ा हो गए, बचपना ले गया। अच्छा भाई बैठ गया, बोल चाचा, अब मैं क्या करूं? आप घोड़े को दारू पिला रे। ले पिले 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 राजा, पिले मेरे घोड़े। बापू, ये क्या करता तुम? तुम भी घोड़े पे बैठ जा। आजा, तू भी बैठ जा मेरे साथ। ये कालू का बच्चे, उतर मेरा बाप से, उतर। जानवर बना दिया मेरा बाप को, निकल जा इधर से। ये घर में फिर आएगा तो मार मार के तेरे को कुत्ता बनाएंगे, बड़वा रास्कल। चीला, तुम गड़बड़ मत कर, मैं तेरी शादी इसी से कराऊंगा। बापू, शीला की शादी कालू दादा के साथ करा रहे हैं, इससे तो अच्छा इसको कुएं में डाल डालो। चुप। चुप क्या, मैं कालू की मुंह पे थूकूंगी भी नहीं। नहीं नहीं शीला, ऐसा मत कर तू, तू एक बार कालू के मुंह पे थूक डाल। अबे आजकल बहुत बोलने लगा है बेटा। ए चाकू क्या दिक्कत आ रे, तेरा चाकू तेरा पेट के अंदर डाल देगा। जाता हूँ मेरे रानी, जाता हूँ, लेकिन याद रखना, एक दिन तेरे को इस घर से उठाकर नहीं ले गए तो मेरा भी नाम कालू दादा ने, समझे? अरे पड़ा। बच्चा रहेगा भाई, माँ बाप अंदर पूजा करने गए, आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। आओ आओ आओ, तुम्हारे माँ बाप अंदर पूजा कर रहे हैं, अभी आ जाएंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं मालूम नहीं, अब तक कोई नहीं आया ना, कुछ घलाटा लग रहा है। ना माँ है ना बाप है, मेरे को तो कुछ गड़बड़ लगता है भाई। ये धूल का फूल लग रहा है, इसको यहाँ छोड़ो, धूल पकड़ो और भागो। राम 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 राम, बच्चे को यहाँ छोड़कर भाग रहे हो? नहीं तो क्या, फेंक कर भागू? बेटा मैं जानता हूँ महंगाई बहुत हो गई है, आजकल बच्चे पालना बहुत कठिन हो गया है, किंतु कठिनाइयों से लड़ो, उनसे भिड़ो, जैसे पैदा किया है वैसे इसका पालन भी करो, परंतु अपना पाप भगवान पर मत डालो। जय जय पुजारी जी, अगर मैं भी आपको ये बोलूं कि बच्चा आपका है, आप भी कठिनाइयों से लड़ो, भिड़ो, आपका पाप मेरे सर पे नको थोपो, तो आपको कैसा लगेगा? हवलदार जी, आप अच्छे समय पर आ गए। मैं यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आया था, अगर आपका कोई केस हो तो मैं उसका स्टेटमेंट ले सकता हूँ। हवलदार जी, ये श्रीमान जी इस बच्चे को मंदिर में छोड़कर भाग रहे हैं। जय पुजारी जी, किसका बच्चा, कौन भाग रहा था? तुम चुप रहो, मैं तुम्हारा स्टेटमेंट बाद में लूंगा। पुजारी जी आप बोलिए। जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये अपना पाप यहाँ छोड़कर भाग रहे थे। अच्छा अब तुम बोलो। साहब मैं एक कुंवारा हूँ, फिर जब शादी नहीं हुई तो बच्चा कहाँ से होएगा? तो फिर ये बच्चा कहाँ से आया? देखो साहब, मैं सुबह सुबह भगवान को मस्का मारने के लिए मंदिर में आया, फिर ये बच्चा सीढ़ियों पर धाय धाय मार मार को रो रहा था, फिर मैं समझा इसके माँ बाप अंदर पूजा कर रहे हैं, फिर
तो मैं बच्चे को गोद में उठा लिया। फिर मंदिर में झांक के देखा तो ना माँ थी ना बाप था। फिर मेरी समझ में आ गया क्या कि ये बच्चा धूल का फूल है। फिर मैं इसको सीढ़ियों पे छोड़ के भाग रहा था। और अब मैं भाग रहा हूँ। अबे जाता कहाँ है? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, सीधी तरीके से बच्चे को लेता है या नहीं? साहब साहब मैं गरीब आदमी हूँ साहब, मैं गणेशा की सौगंध खा के बोलता हूँ साहब, ये बच्चा मेरा नहीं है, मेरे खुद के खाने के वाने ये बच्चा मैं कहाँ से पालूंगा साहब? जब मैं तुझे जेल में डाल के सौ डंडे मारूंगा ना, तब तेरी समझ में आएगा कि ये बच्चा कैसा पालते है। समझ गया, जैसा कोई आदमी बच्चा यहाँ ला के डाल दिया, मैं भी बाहर जाकर फेंक डालूंगा। साहब मैं मेरी गलती मानता हूँ साहब, आप दोनों ने मिलके मेरे को पाप करने से बचा लिया साहब, भगवान आप दोनों को स्वर्ग नसीब करे। ला मेरा बच्चा मेरे को दे डालो। सुखी रहो। देखा डंडे की जोर से कैसा बच्चा समझ में आ गया इसके। हवलदार जी जमाना कितना बदल गया है, कलयुग है कलयुग। अरे पिछले जन्म में मैं जरूर कुछ गुनाह किया रहूंगा, तभी तू मेरे पीछे पड़ गया है, कहाँ फेंकू कहाँ डालू तेरे को। जगह मिल गई रे। अब्बा क्या मुश्किल से ये पिल्ले से पीछा छूटा है मेरा। क्यों बे, इस बच्चे को इस बाबा गाड़ी में छोड़ के जा रहे हैं? नहीं साहब, मैं गरीब आदमी देख रहा था बाबा गाड़ी में मेरा बच्चा कैसे लग रहा है। चल ये बच्चे को लेकर जाता है या अंदर कर दूं? लेके जाता हूँ साहब, लेके जाता हूँ। मामू आज तुम्हारे को और कोई काम नहीं है क्या? हाँ जी, अभी तक तो कोई काम नहीं किया था लेकिन अब कर रहा हूँ, चल फट। अरे फट छोड़ो जर्मनी छोड़ो लेको जाओ, मुफ्त का माल अरे को है सुनने वाला, तुम्हारे काना फट गए क्या? अगस्तिन मेरी रिक्शा तैयार हो गई क्या? आ गए ले जा। अकेला काम कर रहा है ना, कोई दूसरा मैकेनिक नहीं क्या? मैकेनिकों की बड़ा मारामारी आजकल यार। मेरे पास एक है 16-17 साल में तैयार हो जाएगा। इधर ये। अबे इसे घर ले जा, 16-17 साल में तेरा रिक्शा चला के तुझे कमा खिलाएगा, जा। नहीं फंसा तू। और देख आंधा रिक्शा इधर मत लाना, यारी दोस्तों में बहुत हो गया, कोई फिल्म आर्टिस्ट समझ रखा क्या? घड़ी घड़ी गेस्ट आर्टिस्ट करवा लेते। हेमा मैं चलते चलते थक गई, चलो रिक्शा में चले। कभी कभी तो वक्त मिलता है ऐसे घूमने का, अभी भी रिक्शा में जाएगी? मैं थक गई। ए रिक्शा वाला जी साहब, अशोका होटल चलेगा? अशोका होटल डाल दे बेटा बच्चा दोनों के गले में। चलूंगा साहब, लेकिन ये बच्चा आप लोगों को संभालना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है ठीक है, तो संभालो बच्चा। आप रिक्शा में जाना तो बच्चा संभालना ही पड़ेगा। क्या अच्छा लग रहा बच्चा आपके गोद में। बोलो दोनों को खींचेगा ना? मैं कभी नहीं बैठता कि आदमी बैठे और आदमी खींचे, लेकिन तू साले रे शाबाश। अशोका होटल अच्छी लगी सवारी। ये लो रुपया और तुम्हारा बच्चा। हाँ साहब, ये पैसा समझ में आ रहा है, बच्चा आप मेरे को क्यों दे रहे हैं? अरे तुम्हारा बच्चा है, लो ना भाई। क्या गले पड़े हैं क्या साहब? सुबह सुबह तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा बोल रहे हैं? अबे अभी तो वॉक टॉक शुरू हुआ, अभी से बच्चा भी हो गया। साहब ऐसा गलाटा किए तो पुलिस स्टेशन में जाकर पकड़ा जाऊंगा तुम्हारे को।
पुलिस स्टेशन जाएगा? अब भी जाओ पुलिस स्टेशन में पकड़ लूंगा तुम्हारे को। सीधे से बच्चा ले लो तुम्हें तुम्हारा। किसका बच्चा है? तुम्हारा बच्चा है। किसका बच्चा है? तुम्हारा बच्चा है। किसका? बोल किसका है बच्चा? मेरा है, मेरा है। इधर आओ। आता हूँ साहब। ये हाथ है कि हथौड़ा है साहब? मेरे को मार दिए, मार दिए, फिर किसी को नहीं मारना। अरे बहुत कम मारा है तुझे, पता है क्यों? क्यों साहब? क्योंकि तेरी शक्ल है ना, मेरे एक यार महमूद से मिलती है इसलिए। हाँ बड़ी मेहरबानी साहब। मेहरबानी यार, चल। आओ मेरे लाल, जा मेरे कलेजे बाप के पास जा। हाँ बाप के पास। ये बच्चा कहाँ से लाया? बच्चा कहाँ से लाया? किसका बच्चे? आदमी का बच्चा। हम हंदा नहीं, दिखता आदमी का बच्चा। तेरे पास किधर से आया? शीला, मैं मंदिर में गया था भगवान को मस्का मारने के लिए, वहाँ फंस गया। हम फंसने वाला नहीं। मुझे पहले ही से मालूम था ये साला हरामी है। हाँ तुम चुप, बड़वा रख के। शीला हाथ नहीं लगाना, आज के बाद मेरे को कभी हाथ नहीं लगाना। मैं क्या करूं? जल गई हूँ ने शीला की बच्ची। रे खेकड़ी के चोपरे रो मत, बत्ती जलाने दो मेरे को, रोने का तो उजाले में रो। आजा, आजा। हाँ क्या अब मैं क्या करूं? अरे क्या करूं मैं अभी? क्या खाने वाला हूँ मैं? मेरे कुछ खाने को नहीं है, तेरे को कहाँ से ला के दूँ? क्या मुसीबत है भाई, क्या करूँ? रोना बंद हो गया इसका? अरे ये क्या कर रहे? अरे गुदगुदी हो रही रे, छोड़ रहे। शीला, अरे शीला। क्या बकरा का माफक चिल्लाता? शीला शीला शीला। हाथ नहीं लगाना। अरे इतना गुस्सा क्यों करती है मेरी बकरी? मेरी बात तो सुन। क्या कोई काम अटक गया मेरे बिना? तेरे बिना कौन सा काम चलता मेरा री? का का पड़िकिरिंगला फिटे मलबोली, मस्का लगाता क्या? अच्छा समझ ले मैं तेरे को मस्का लगा रहा हूँ। देख ये बच्चा रात से आया है, तब से तेरे गोरे गोरे हाथों से मेरे काले काले होठों को चाय नहीं लगी ना, आज चाय भी नहीं पिलाई ना तू। चाय चोर, तू मरेगा, तू तेरा मुंह में पानी भी नहीं डालेगा। अरे मत डालना पानी यार, लेकिन मेरी बात तो सुन, ये बच्चे को दूध पिलाना मैं सीख गया हूँ। हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। अरे हाथ भी नहीं लगाता, पाँव भी नहीं लगाता। ये देख ये बच्चा हंसता है, मूंदता है, इसमें सड़ी बास आ रही है, थोड़ी सी फाली बदल डालना इसकी। हत्ता मुक्ता, हम क्या करना? हम क्यों बाले बदलना? हम किसका बाप का नौकर नहीं। जिधर जाके बच्चा बैदा क्या, उसके पास ले जाना। हाँ बच्चा दूसरे का काम हम करना, सब उल्टा बस। क्यों हम औरत नहीं क्या? हम कुबूर सूरत नहीं क्या? मेरे से शादी करके बच्चा बैदा करता तो तेरा बाप का क्या जाता? हम भी तेरे को आदमी का बच्चा देता, गद्दे का बच्चा नहीं। केवल पेट कोना कुड़ते करता रखिए ना, इतना पाकण ना हाथ नहीं लगाना। वे वे नीचे ना उन पाक मुड़िया। हाँ पानी बदल दिया ला तेरा बच्चा। तू बोलती हाथ नहीं लगाना, अगर मैं बच्चा लूंगा तो तेरे को हाथ लग जाएगा ना। हाँ लो तेरा बच्चा। क्या खूबसूरत लग रही है बच्चे के साथ, ये फाली बदलना कहाँ से सीखी तू? हाँ तेरा माँ से। क्यों तेरी माँ को नहीं आता था क्या? दीदे क्या दिखा रही है, सीधी बात बोलता हूँ तो उल्टी बात करती है, फोड़ कर उड़ा लूंगा। आयो
अरे अकल का अंधे पदे के बच्चे को कौन तैरना सिखाता, वैसा चौरत को बच्चा पालना खुद ब खुद आ जाता। तो फिर पाल लेना मेरे बच्चे को, तू तेरा मेरा बोलेगा तो मारेगा तेरे को आंख से। मर गाँव में निकल जा मेरा घर से। नहीं निकलूंगा। निकल। अरे नहीं तो लाख मार के निकल। अरे लगता यार। अरे क्या कर दी? अरे मुबारक हो बेटा। अरे आप तो बराबर माँ जैसी है। हाँ ये बच्चा मेरा नहीं। फिर इनका होगा। मुन्ना तो बिल्कुल बाप जैसा है। अरे ये बच्चा मेरा भी नहीं है भाई। अरे ये बच्चा किसी का भी हो हमें क्या करना, हमें तो अपना हक मिलना चाहिए। खोल के बैठ जा बहना ढोलक। अरे थारी मारी लुगाई के पेट में तो दर्द शुरू हो गया, अब क्या करूं? रिक्शा कटे रिक्शा। अरे रिक्शा, अरे रिक्शा वाला भाई आजा आजा आजा। माँ जी माँ जी मारी लुगाई पर ले आओ रिक्शा में। ये तो दुनिया की रीत है। रीत होया करे, अब जिंदगी भर थारी बात कभी ना मानू। हाँ अच्छा एक बार फिर कभी तने तकलीफ ना, तू एक छोरो दे दे बस, फिर कभी तने तकलीफ ना। छोरो? अरे भाई रिक्शा वाले जरा जल्दी कर भाई, नहीं तो हमारा छोरा सड़क पे नहीं पैदा हो जावे। अरे भाई रिक्शा वाले जरा स्पीड बढ़ा ना यार, जरा तो स्पीड बढ़ा, नहीं तो हमारा छोरा सड़क पे नहीं पैदा हो जावे। अबे साले मैं तने कही ना हमारा छोरा सड़क पे पैदा हो गया। अरे साले के भाई काले, तुम्हारा बच्चा पैदा नहीं हुआ, मेरा बच्चा रो रहा है। जमेन साहब तुम्हारे को बच्चा पैदा करने का तो घोड़ा गाड़ी में जाकर पैदा कर लो। आजा भाग्यवान आजा, इसी में बैठ जा आजा। मरी गई। चल चल मरी गई हूं। अंदर चल। मैंने ला हाथ दे। अरे तो लागियो तारे पेट में चार छोरे, घोड़ा चार पैसे पर हो गया। वाह रे बेटा वाह, तेरा क्या है, दूध पिया और सो गया। सो जा। जय मुरली वाले, जय मुरली वाले। अब्बा बड़ी जम को भूख लगी है, तुम्हारा क्या है, तुम्हें मक्खन चुरा को खा लेते, मेरे को हाथ से खाना बनाना पड़ता समझे। सारा दिन रिक्शा चला तो मेरे बॉडी में दर्द आ गया है, खाना पकाना जान को आ गया है। जय ये मुरली हाथ में रख के क्या मुस्कुरा रहे हैं, हाथ से दाल घोटेंगे तो मालूम पड़ेगा तुम्हारे को। एक बात पूछूं मैं मुरली वाले तुम्हारे को, ये जो खोपरे का तेल का दिया जला जला को मैं तुम्हारे को मस्का मारता हूं, इसके बदले में तुम्हें क्या दिया मेरे को? माँ बाप की शक्ल तो नहीं दिखा? हाओ ये झोपड़ा दिए मेरे को, एक रिक्शा भी दिए, शीला भी दिए, उसका प्यार भी दिए, ऊपर से यह बच्चा मेरे गले में डाल दिए। ये बच्चे की वजह से शीला मेरे पर शक करने को लग गई, मैं कितना उसको समझाया कि ये मेरा बच्चा नहीं, उन्हें मानने को तैयार नहीं। मैं यहां तक उसको बोला कि मेरा बच्चा होएगा तो तेरे से छोएगा, लेकिन उन्हें हिलती नहीं अपनी जगह से। पहले तो उन्हें खाना वाना बना को मेरे को खिलाती थी, अब मर गया तो मुंह में पानी भी नहीं डालती। मैं भूखा नहीं मर सकता भगवान, भूखा मरने से तो सच्ची का मर जाना अच्छा है। ठीक है मैं नारियल के झाड़ पर चढ़ को ऊपर से कूड़ी मार देता हूं। नहीं ऊपर से गिरा मरा नहीं, टांग टूट गई तो और तकलीफ हो जाएंगी। किसी जंगली बोकुल को धतुरा खिला को उससे सर फुड़वा लेता हूं। इंसाना बात नहीं सुनते, मेरी बोकुल कहां से बात सुनेगा। हाँ एक पत्थर पेट पे बांध को कुएं में छलांग लगा डालता हूं और खुदकुशी कर डालता हूं और खत्म कर डालता हूं अपने आप। नहीं महेश ऐसा नहीं बोलना, हमको माफ करना, हम तेरे को बहुत सताया। अरे तू पत्थर से मस्का कैसे बन गई? जमुली वाले इन्हें मेरी शिला क्या? हाँ हम तेरे ही शिला। तो फिर हाथ लगाऊं क्या, बोलेंगी तो नहीं? हाथ नहीं लगाना। जा हम नहीं खेलता। क्या खेल रही थी मेरे साथ, फुटबॉल खेल रही थी क्या? ए शिला बच्चे को देख के तू फिर से फुनफुनाएंगी तो नहीं ना? आज के बाद हम तेरे पे कभी शक नहीं करेगा।
छोड़ मेरे को। क्यों? तेरे को भूख लगाना, तेरा वास्ते गाना बनाता। गाना? गाना या खाना? खाना। खाने को दाल चूल्हे में, बहुत दिनों के बाद तू मेरे को लपट रही ना, ऐसी लपटी से मेरे को ठंडक मिल रही है। छोड़ मेरे को, छोड़ है ना। अयो यारो कदो टटरंग। क्या बोली टटरंग? दरवाजा टोक टोक। दरवाजा टोक टोक? टोक टोक। क्या रही है ठोक ठोक कबाब में हड्डी? हाँ, तुम कौन है बहन? अयो भाभी, हमको बहन बोला। बहन ने तो क्या, तुम्हारे को माँ बोलो। अयो माँ बोला, माँ बोला। ये देखो, ये देखो जी, कहीं जाते कभी माँ बोलता है, कभी बहन बोलता है। क्यों, हमको तेरे बच्चे का माँ बोलने के वास्ते शर्म आता है? हमको तेरा औरत बोलने के वास्ते शर्म आता है? किसकी औरत? अब तुम हमको कैसा पहचानेगा? मेरा सौकन जो सामने कड़ा है। देखो भाइयों, ये आदमी मद्रास में आकर कोणम बाकम का मंदिर में हमारे साथ शादी बनाया। एक मंगल सूत्र की जगह 15 मंगल सूत्र पहनाया। और आज ये पापी कदर निर्दय करते ही हमको पहचानता नहीं। ए, गाली दे रही क्या मेरे को? मानना मान, मैं तेरा मेहमान, मेरे दिद्दे फूटो, मैं आज तक तेरे को नहीं देखा हूँ। नहीं देखा? बगैर देखे मेरे को शादी किया, बगैर देखे मेरे को बच्चा भी हो गया। महेश, एक छोटा सा झगड़ा का वास्ते तू मेरा बच्चा मेरे से ले लिया, परवा नहीं। अभी तुम ही बोलो, मैं अकेला औरत किधर जाएगा? इंगे यहाँ पोरंद। अरे पोरंद क्या, इसका जवाब तेरे को मेरी शीला देंगी। शीला देगा? हम जवाब तेरे को देगा। अरे तेरी रास्ते क्यों रे, क्यों? हमको बोला बच्चा मंदिर में मिला, ये क्या तेरा मंदिर? शीला, अरे हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। औरत बोला बाला मरत गड़बड़ गुटाला। ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हमको कोई उंगली मालूम नहीं। महेश, तुम्हारा भांडा फूट चुका। ये शरीफों की बस्ती है, तुम एक शरीफ लड़की के जीवन से नहीं खेल सकते। तुझे इसे अपनाना ही होगा, और नहीं तो हम लोग तुझे इस बस्ती से निकाल देंगे। बस करो, तुम्हारे लोगों के थूक से मेरे दिमाग पर जो पर्दा पड़ा था वो धुल गया। अब मेहरबानी करके तुम लोग यहाँ से जाओ, मेरे को और मेरी घरवाली को अकेला छोड़ दो। कहाँ जा रही है? चल झोपड़े में। चलो मेरी घरवाली, चल झोपड़े में चलो। आया, आया, आया। ये भगवान, वाह भगवान, हमको मेरी जोरू जी, दरवाजा खाई तू बंद। इधर बहुत चोर लोग आते हैं ना, मेरे को डर लगता है। वो खटिए पे अपनी औलाद सो रही, वो चादर इधर बिछा डाल। अरे चादर बिछा भाई। बैठ जा। क्या? बैठ बोला ना। अब लेट जा। लेट ना। अरे सोने का नहीं क्या, रात भर जगेंगी। लेट जा। हम तुम एक झोपड़े में बंद हो, हम तुम एक। ये जी क्या गड़बड़? गड़बड़ क्या, सारी दुनिया के सामने तुम बोल दिया मैं तुम्हारा मर्द हूँ, मैं भी बोल दिया तुम मेरी जोरू है। देखो भैया, हम सच्ची सच्ची बोलता है, हम खराब औरत नहीं, हमारा माँ का तबियत खराब, दवा के लिए पैसा नहीं। वो खालू दादा बोला तुम्हारे बैर शीला में झगड़ा लड़ाएगा तो हमको 100 रुपया देगा। हमको मालूम नहीं जी कि तुम इतना अच्छे आदमी। अच्छा
मेरे को भाई भी बोलती है, अच्छा आदमी भी बोलती है। अब जो ये मेरा घर बर्बाद कर दिया। हवा नहीं, हम बर्बाद किया हम ही चापत करेगा। आओ आओ। आपका नीना निकरे महेश अन्ना अयोग्य अदु तप्पु। महेश अन्नावा? आमा अवरे वन्नता कादिल करे। तुम लोग मेरे को गाली दे रहे क्या? नहीं जी, हम बोला महेश हमारा भाई, तुम इसको बहुत प्यार करता है। अक्का कालू। शीला अब पता चला मेरी रानी कि अच्छे और बुरे में क्या फर्क होता है? अभी तक पता नहीं चला, आप चलेगा। वो आधा पता चला, अभी पूरा पता चलेगा। जय सरदार जी, ये बुशर्ट कॉटन स्कूल है क्या? बुशर्ट कॉटन नहीं है, बिशप कॉटन बोल। मेरे बच्चे को ये स्कूल में पढ़ाने का है। तो साहब ने पूछ। जय साहब क्या है? मेरे बच्चे को ये स्कूल में पढ़ाने का है साहब। देखो ये लूले लंगड़ों की स्कूल नहीं है, यहाँ रईस बच्चे आते हैं। और ये लंगड़े को पढ़ाना है ना तो नाके पर सरकारी स्कूल है, वहां ले जाओ, वहां लूले लंगड़े को मुफ्त में पढ़ाया जाता है। चौकीदार इसे अंदर मत आने देना। चंगा है। भगवान ने मेरी जवानी पर बड़ा जुल्म कर दिया बाबा, 18 साल की उम्र में मुझे अंधा और लंगड़ा लूला बना दिया। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, अंधे को भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। सरदार जी अंधे को भगवान के नाम पे कुछ दे दे। ए रिक्शा, अगले बस स्टॉप पे जाने का कितना लेगा? 1 रुपया। चलो तेरी संसार में उल्लू बना गया। साहब उधर तो आप भीख मांग रहे थे, यहाँ 555 पी रही। लोक रिक्शा वाला, आई एम अ ग्रेजुएट, पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन नौकरी ही नहीं मिलती, इसलिए ये भीख मांगने का नया बिजनेस शुरू कर दिया है। अच्छा बिजनेस है साहब, बगैर कुछ देने के मुफ्त काम मिल जाता, मुल्क बहुत तरक्की पे जा रहा है। यू आर राइट रिक्शा वाला। Hi Dad, how was the day? Made some money? I know money, good stuff, goo 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 goo. अरे क्या बोल रहे हैं आप? अरे वाह, बड़ा हो के तू अंग्रेजी बोल सकता है, मैं नहीं बोल सकता क्या? पहले ये बता, आज का इम्तिहान कैसे दिया? फर्स्ट आऊंगा, फर्स्ट आएगा तो फिर मैं तेरे को आइसक्रीम खिलाता हूँ। बेटे
द हिंदुस्तान। डैडी आपने मेरा नाम बड़ा चुन के रखे। बेटा तुम्हारा बाप जो भी काम करता ना चुन के करता। कल कौन सा इम्तिहान है तुम्हारा? कल तो छुट्टी है, छुट्टी। कल स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट? स्पोर्ट क्या रहे? स्पोर्ट नहीं, स्पोर्ट्स। कल भागने का है, जंपिंग है, रेसेस है। मैं तो नहीं जाऊंगा। क्या बोला? तू नहीं भागेगा? डैडी आपको तो मालूम है मेरा पाँव कैसा है, मैं कैसे भागूंगा? देख हिंदुस्तान, मैं कितनी बार तेरे को बोला तू अपने आप को लंगड़ा मत समझ। देख पिछले साल तू पढ़ाई में कब लेकर आया, ये साल भाग को कब लेकर आया? भागेगा कि नहीं बोल। अच्छा डैडी मैं भागूंगा भी, कब भी लेकर आऊंगा। अब तो आप खुश है ना? तू आप बोलता तो मेरा कलेजा खुश हो जाता। अच्छे स्कूल में बच्चों को डाले तो बच्चे कितने तमीज वाले हो जाते। फोटो उतारेंगे। चल। बड़े बड़े मिनिस्टर मर गए लेकिन उनका फोटो आज भी जिंदा है और आप लोग देख रहे हैं। आइए हमारे को फोटो उतारने का। चलिए फोटो उतरवाइए। हाँ चलिए। देखिए ये फ्लैट है। हाँ चलिए। ठेका फ्लैट है। तुम्हारी जाप के पीछे ये लो। चलिए चलो 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 भाई एक मिनट, बच्चा कुछ बोल रहा है। क्या बात है? इधर ये फोटो अच्छी आएंगी या आधी आएंगी? क्यों? तुम्हारी एक दुकान बंद है ना? एक दुकान बंद है तो क्या, दूसरी तो खुली है। चलो पोज दो। हाँ बड़े आए समझाना आए। देखिए किधर आ रहे बाप रे। चलिए चलिए देखना इधर आइए। हाँ हाँ ठीक है। वन टू थ्री। कब मिलेगी फोटो? आधे घंटे के बाद। क्या सभी चलो, क्या सभी चलिए। पांच सौ दो। एक हजार रुपया इनाम। सिर्फ पहलवान को पटकिए और 1000 रुपया इनाम पाइए। आइए भाइयों आइए, अपनी ताकत और किस्मत दोनों आजमाइए। भाइयों जानते हैं 1000 रुपया आपके कितने काम आ सकता है? बात कुछ नहीं है, पहलवान में सिर्फ ताकत का खतरा है। पहलवान के साथ में कुश्ती करेंगे तो 1000 रुपया मिलेगा? पूरा 1000 रुपया मिलेगा। रोकड़ा मिलेगा साथ? बिल्कुल रोकड़ा मिलेगा। कुश्ती करनी पड़ेगी? नहीं तो क्या नाच करना पड़ेगा? कुश्ती करेंगे साथ। किधर करेंगे? स्टेडियम में। अरे बाप रे। क्यों पहलवान तैयार? हाँ तैयार। नहीं नहीं डेरी चलो वापस जाएंगे। अरे डरना को, हिला को रख डालूंगा इसको। हिलाना बाद में, पहले ये बता अंदर लंगोट तो है ना? है साहब। तो फिर उतार कपड़े, उतार। बेटे ये कपड़े संभाल ले, अगर कुछ हो गया तो घर को लेकर चले जाना। जाओ साहब। हाँ जाओ साहब। शाबाश शाबाश। खिल्ला मार लिए क्या?
तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस विनर। साहब मेरे बेटे से मिलेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं। हाँ ये देखो ये है मेरा बेटा, इसके हाथ में बहुत ताकत है, राधे का बड़ा बहुत ताकत। अरे वाह बेटे तुझमें तो बड़ी ताकत है, पहलवान तेरी जगह तेरा बेटा मुझसे लड़ता तो जीत जाता। क्यों बेटे कुछ लड़ोगे? नहीं 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 ये बहुत है, चल बेटा जाके फोटो लेके आएंगे चल। मुझे तो नहीं लगता दारा साहब कि और 20-25 साल तक कोई आपकी जगह पे आए, चार पांच और ढूंढ के लाऊं क्या? जा लेके आ। चलिए फोटो उतरवाइए, ये हमारे फोटो स्टूडियो आने के लिए। हमारा फोटो किधर है? तुम्हारा फोटो उतारा किसने? अरे राय मेरे बेटे के साथ में फोटो नहीं उतारा तू है? तो तुम्हारे छोकरे को क्या हो गया है? तुम्हारी अम्मा का कलेजा हुआ है, ये लो पैसा और फोटो दो। यूं बोलो ना।